अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शेख अब्दुल्ला एहसान। और आज का हमारा जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है सम रियल लाइफ यूजेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो लेट्स बिगिन विद इट। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? व्हाट एक्चुअली अ प्रोबेबिलिटी इज? तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इट। प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट एन इवेंट, अ रिपीटेडली इवेंट दैट अकर्स। अब इधर हमें ये नहीं पता कि व्हाट्स गोना हैपन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉइन टॉस किया तो आपको नहीं पता कि वो कौन सी साइड पर लैंड करेगा। इट कुड बी आइदर हेड्स और इट कुड बी आइदर टेल्स। तो मैथमेटिकल फॉर्म में उसको कहते हैं वन या ज़ीरो, या तो ये होगा या तो ये होगा, दैट्स ऑल। कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है आपके पास इसमें। ये प्रोबेबिलिटी का बहुत एक बेसिक से एग्जाम्पल है कॉइन टॉस का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। तो इसमें दिस अ बंच ऑफ किड्स who's going to have a game, cricket game. तो वो start करने से पहले उन्होंने coin toss किया just to make sure कि batting कौन करेगा, bowling कौन करेगा। अब जैसे उन्होंने coin toss किया, they don't know कि on which side the coin is gonna land. It could be a head or a tail. अब उनके ये है कि heads आ जाए। तो just to make sure of that, हमारे पास एक बहुत basic सा simple formula है probability का, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो सकता है, ये हमें पता चल सकता है कि कितने चांसेस हैं हेड्स के आने के, कितने चांसेस हैं टेल्स के आने में। तो इन दिस सिचुएशन द चांसेस आर इक्वल ऑलमोस्ट, कि 50% आपके हेड के हैं, 50% आपके टेल्स के हैं। प्रोबेबिलिटी का एक बहुत मॉडर्न यूज एग्जांपल ये है आज के टाइम में कि आपके पास जो ट्रैफिक कंट्रोल है, जो आपके पास ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स जब एक जगह अलॉट होते हैं तो वो सब एक डेटाबेस पे डिपेंड करते हैं, और वो डेटाबेस आपका प्रोबेबिलिटी से आता है। कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक रोड पे ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया है, ठीक है, तो उस रोड पे उस ट्रैफिक सिग्नल लगाने के बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे, उस रोड पे जो ट्रैफिक फ्लो है वो कितना बढ़ जाएगा या कितना कम हो जाएगा इन फ्यूचर। अगर जैसे 8 to 5 आपके ऑफिस टाइमिंग्स होते हैं, उस दौरान अगर आपका कोई, अगर आपको बाहर निकलना है, तो इन दैट केस वो सिग्नल के टाइमिंग क्या रखेंगे जिसकी वजह से वो प्रॉपर वो रोड पूरा मैनेज हो जाए ट्रैफिक कंट्रोल से। और अगर कोई इमरजेंसी केस हो जाए, फॉर एग्जांपल एन एम्बुलेंस या कोई फायर ब्रिगेड वगैरह, उसमें स्पेसिफिक टाइम से उसको क्रॉस करना हो वो रोड, तो उसकी वजह से ट्रैफिक फ्लो पे क्या असर आएगा, ये सब एक प्रॉपर डेटाबेस होता है बैक हैंड पे, जिसकी वजह से ट्रैफिक कंट्रोल बनता है। अभी तक जो हमें प्रोबेबिलिटी जो समझ आई है वो ये है कि probability it's all about unpredictable events. Predictable events तो हमें पता होता है कि अगर एक ball हमने उछा ली है तो if we know the height and the speed of the ball, हम उसको calculate कर सकते हैं physics के formula use करते हुए। लेकिन जहाँ तक बात आती है unpredictable events की, जिसमें फिर probability आ जाती है, तो इसमें आपके पास यही कि आपने coin toss किया, आपको नहीं पता भाई कि क्या आने वाला है। और दूसरा ये हो सकता है कि gender of a baby, कि you don't know कि इज इट अ मेल और इज इट अ फीमेल। तो इसमें आप जाहिर से पता है एक बहुत अनसर्टेनिटी का एक इवेंट है ये। अब इधर जो हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है वो ये है कि यहाँ तक तो हमारे पास बहुत बेसिक एग्जांपल्स थे जिसमें प्रोबेबिलिटी ट्राई करती है। व्हाट अबाउट द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, जिसमें प्रोबेबिलिटी कितना उसका, वो कितना उसका रोल प्ले है, कितना मेजर रोल प्ले है उसका, वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। वेदर फॉरकास्टिंग इज़ अ मेजर यूज़ ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत बहुत बड़ा एग्जांपल है वेदर फॉरकास्टिंग प्रोबेबिलिटी का। फिर पॉलिटिक्स, इलेक्शंस वगैरह जो होते हैं, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, हॉस्पिटल्स और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इसको फर्दर डिस्कस हम इस तरह कर सकते हैं। वेदर फॉरकास्ट जब आपके सेल फोन्स में एप्लीकेशन होती हैं वेदर फॉरकास्ट की, जिसमें आप देखते हैं कि भाई आज 60% रेन की चांसेस हैं या 50% रेन की चांसेस हैं, तो वो कैसे होती हैं? जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो, उनके पास एक प्रॉपर बैक हैंड पे डेटा बेस होता है जो उनको वो एक प्रॉपर प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ भाई इस दिन में अगर इतना क्लाउडी है तो वो कितना इफेक्ट करेगा इस डे को। उस हिसाब से अगर उनका वो क्राइटेरिया अपने डेटाबेस के क्राइटेरिया से मैच कर जाएगा तो एक स्पेसिफिक अमाउंट निकलती है कि भाई 60% आपके रेन के चांसेस बन गए, बढ़ गए आज। इसी तरह आपका हीट स्ट्रोक का होता है कि जून जुलाई में आपको सबको पता है गर्मी होती है, तो वो बैक हैंड पे एक डेटा होता है जिसके उस क्राइटेरिया मैच करता है। वोट डालने हम सब जाते हैं, तो इलेक्शन में जब आप वोट डालने जाते हैं तो डिफरेंट एरियाज में जब आपका जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी जीतना शुरू करती है, तो जाहिर सी बात है
आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़, क्योंकि इतने इलाकों में अगर आप जीत चुके हैं तो एनी फर्दर आपको मतलब बहुत कम आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे जीतने के, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इसमें प्रोबेबिलिटी काम आ सकती है, इंश्योरेंस वगैरह। आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस वगैरह होती है, तो इन हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के पास भी प्रॉपर डेटाबेस बना हुआ होता है कि उनको किस तरह से अपनी पॉलिसीज वगैरह सेल करनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल कार इंश्योरेंस के लिए जा रहे हैं तो वो आपसे पूछेंगे आपको कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है इन फ्यूचर। अगर आप स्मोकर वगैरह हैं तो आपके स्मोकर होने के बाद आपके लंग्स को मतलब आपकी बॉडी को आपकी बॉडी के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपको हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, डेथ रेट आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उस हिसाब से फिर तो आपको अपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ कार इंश्योरेंस। तो वो आपको उस हिसाब से आपको पॉलिसी सेल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेटाबेस। हॉस्पिटल की एग्जांपल ले लेते हैं हम कि कैंसर पेशेंट्स में ऐसा बहुत होता है कि उनको एक कैंसर डायग्नोज होने के बाद उनको एक स्पेसिफिक टाइम अलाउट किया कर दिया जाता है कि आपका सर्वाइवल टाइम इतना है। तो इसमें हॉस्पिटल वालों ने यही अपना डेटाबेस बनाया हुआ है कि कैंसर पेशेंट्स को, दो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें से एक को उन्होंने एक न्यू ड्रग इंट्रोड्यूस करवाया है और दूसरे के पास वो ड्रग नहीं है। अब वो दोनों को ऑब्जर्व करेंगे कि जिसके पास ड्रग है उसका सर्वाइवल रेट कितना बढ़ जाएगा, कितना एक्सटेंड कर पाएगा वो अपने सर्वाइवल रेट से एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। तो फिर उसमें वो ऑब्जर्व भी करेंगे कि अगर ड्रग हमने दिया भी है उसको तो क्या इफेक्ट्स हैं ड्रग्स के, उसके बाद कितना उसको मेडिकल्स के इफेक्ट्स हैं, और जो दूसरा बंदा जिसको हमने ड्रग नहीं दिया उसके क्या इफेक्ट्स हुए हैं। तो वह पूरा कंपेयर करके एक डेटाबेस बना लेते हैं अपने, जो उनके पास इन फ्यूचर काम आता है। ये प्रोबेबिलिटी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, हिस्टोग्राम जिसको कहते हैं। इसमें आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ हिस्टोग्राम्स होते हैं, मल्टी मॉडल होते हैं, स्क्यू ड्राइड होते हैं, बाय मॉडल होते हैं एंड एक्सेट्रा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम मी एंड प्रोबेबिलिटी, एंड आई होप कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी हद तक समझ में आ गई आप लोगों को। थैंक यू।